नमस्कार दर्शकों, अमरोहा के आवाज में मैं हूं आपके साथ रचा वर्मा। जनपद अमरोहा में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मुमताज अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह अभियान पूरे जनपद के सभी केंद्रों पर शिविर लगाकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को टीबी से मुक्त होने के लिए सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का सपना है कि पूरे भारत को टीबी से मुक्त किया जाए, इसको लेकर सरकार नए नए अभियान चला रही है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ टीबी के मरीजों को दिलाने के लिए आज टीबी क्लिनिक के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने अमरोहा शहर के रोडवेज बस स्टैंड, बाजारों व अन्य चौराहों पर लोगों को टीबी जैसी बीमारी से बचने के लिए जानकारी उपलब्ध कराई। इसी के साथ पैम्पलेट के माध्यम से रोडवेज, ऑटो स्टैंड, यात्रियों और लोगों को टीबी रोग हेतु जागरूक किया गया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह अभियान स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कैंप लगाकर घनी आबादी में रहने वाले गांव में लोगों को टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूक किया जाएगा और साथ ही टीबी के मरीजों की जांच कर उन्हें अच्छा उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर किसी को लगता है कि वह टीबी से परेशान है तो वह निजी सरकारी स्वास्थ्य विभाग के अंदर पहुंचकर अपनी जांच करा सकता है, जिसे उस टीबी की बीमारी का पता जानकर उचित उपचार दिलाया जाएगा। जनपद अमरोहा में स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी मेहनत और लगन के साथ कार्य कर रही है और जब तक पूरे भारत को टीबी से मुक्त ना किया जाए तब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं भारत सरकार के निर्देशों का पालन भी किया जाएगा और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के लिए मेहनत और लगन के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान आगे भी जारी रहेगा। 2025 का हमारा टारगेट है कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है, तो उसके लिए काफ़ी जोरों शोर से काम किया जा रहा है जनपद में और जिसके तहत आज भी हमने रोडवेज पे और बसों में यात्रियों को या चलते फिरते मुसाफिरों को, ऑटो वालों को हमने काफ़ी पंपलेट्स वगैरह बंटवाए हैं, जागरूक किया है टीबी के इसे। और हमारा अगला ये है कि हर गांव में हम कैंप लगाएंगे, हम आबादी के हिसाब से वहाँ कैंप लगा के और जितना जल्दी हो, जिसे जिस तरह से हमारे पास 24 महीने और बचे हैं इस अभियान में 2025 में, तो हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा कैंप लगा के ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की जांच हो जाए लोगों की, इसलिए कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा जांच नहीं होगी मरीज वो पकड़ में आ नहीं पाएंगे किसको टीबी है किसको नहीं है। तो इसके लिए हम काफ़ी प्रोग्राम हमारा चल रही है पूरे जनपद में। अब हमने गाँव सेलेक्ट करके अब ये है कि उसको जो है हम कैंप लगा के और उसमें मरीजों से ज़्यादा जांच के लिए करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जनपद जो है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है ब्रॉन्ज मेडल के लिए, सब नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए, तो उसके पे हमें काम करना है, इसलिए कि हमारे पास टीम भी आने वाली है सेंट्रल टीबी डिवीजन से जो वेरीफाई करेगी कि जिस बेस पे हमें सेलेक्ट किया गया है क्या वो बेसिक चीज़ें हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से हमें मेडल दिया जाएगा इस जनपद को। मौके पर यादव, बीरबल, एसटीएस मोहसिन खान आदि मौजूद रहे और इसी के साथ देखते रहे अमरोहा की आवाज़।